वेलकम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सच अ कमिटी। इस कमिटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसका टाइटल था सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया आ रिपोर्ट। तो आइए इसके बारे में आउटलाइन करते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट में अगर हम देखें तो सच्चर कमेटी एक 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी थी जो कि बनाई गई थी मार्च 2005 में बाय द देन पीएम मनमोहन सिंह। हेड ऑफ द कमेटी थे दिल्ली हाईकोर्ट के फॉर्मर चीफ जज राजेंद्र सच्चर, इसलिए इस कमेटी का नाम सच्चर कमेटी पड़ा। कमेटी इसलिए बनाई गई थी ताकि सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया को स्टडी कर पाए। कमेटी सबमिटेड इट्स 403-पेज रिपोर्ट इन 2006 जो कि पब्लिक डोमेन में 30 नवंबर 2006 को आती है। रिपोर्ट हैड सजेशंस एंड सॉल्यूशंस फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। सो ये मेन बातें थी इस कमेटी की रिपोर्ट के बारे में। अब आइए इसको विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड को देखना होगा। 2004 में कांग्रेस पार्टी 8 साल विपक्ष में रहने के बाद सत्ता में वापस लौट कर आती है। अब चूंकि कुछ चुनावी वादे भी होते हैं किसी खास कम्युनिटीज़ को लेकर, सो ऑन मार्च 9, 2005 द प्राइम मिनिस्टर इशूड अ नोटिफिकेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ हाई लेवल कमिटी टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया। द 7-member हाई लेवल कमिटी चेयर्ड बाय जस्टिस राजेंद्र सच्चर सबमिटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन नवंबर 17, 2006। द गवर्नमेंट टेबल्ड द जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमिटी रिपोर्ट इन पार्लियामेंट ऑन नवंबर 30th। इसके बाद कंपोजिशन की बात करें इस कमेटी की, तो इसमें 7 सदस्य थे। हेड जो थे वो थे राजेंद्र सच्चर जो कि फॉर्मर चीफ जस्ट थे दिल्ली हाईकोर्ट के। दो जो अदर 6 मेंबर्स थे वो थे सैयद हमीद, एम ए बसीद, अख्तर मजीद, अबू सलेह शरीफ, टी के ओमन एंड राकेश बसंत। जो खास बात थी इस कमेटी में की कंपोजिशन में देखने लायक, वो थे कि जब ये कमेटी डिस्कस कर रही थी, स्टडी कर रही थी मुस्लिम कम्युनिटी को, तो उन्होंने कई वुमन ग्रुप से डिस्कशन किया, वुमन एक्टिविस्ट से डिस्कशन किया मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर, बट इस कमेटी की कंपोजिशन में कहीं भी फीमेल मुस्लिम सदस्य देखने को नहीं मिला, जो कि होना चाहिए था अगर आप नेशनल लेवल पर किसी खास कम्युनिटी की दिक्कतों को स्टडी करने जा रहे हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस की अगर बात करें, टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि कोई अगर कमेटी बनाई जाती है तो उसके काम क्या होंगे, उसका उद्देश्य क्या है, उसका काम करने की शुरुआत किस तारीख को होगी, उसका जो डेड एंड है काम खत्म करने की तारीख वो कब है, तो इन सभी चीज़ों को मिला जुला कर कह दिया जाता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो इस कमेटी के लिए दी गई थी वो थी ए ऑब्टेन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड कंडक्ट अ लिटरेचर सर्वे ऑन द रिलेटिव सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया एट द स्टेट, रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। दूसरा जो टर्म था, डिटरमाइन द लेवल ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीसरा जो टर्म था, डिटरमाइन द रिलेटिव शेयर इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। चौथा जो टर्म था, डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ ओबीसीज फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी इन द टोटल ओबीसी पॉपुलेशन इन वेरियस स्टेट्स। एंड पांचवा जो टर्म था, डिटरमाइन एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैंक क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। मेथोडोलॉजी यानी कि जो स्टडी करने का तरीका इस कमेटी के द्वारा चुना गया था वो कुछ ऐसा था कि सच्चर कमेटी ने यूज़ किया था डेटा फ्रॉम 2001 सेंसस डेटा फॉर डेमोग्राफिक प्रोफाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, एजुकेशनल अचीवमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। NSSO का डेटा भी लिया गया था टू एनालाइज इश्यूज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, कंजम्पशन पैटर्न्स, लेवल ऑफ पॉवर्टी। बैंकिंग डेटा भी लिए गए थे फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक RBI, NABARD, NMDFC, NBCFDC एक्सेट्रा। डेटा फ्रॉम गवर्नमेंट कमीशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस टेकन लाइक NCBC, SBCC एंड NCERT। ऑल्सो फ्रॉम मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, PSUs, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस डेटा वर टेकन। सो इन सब जगहों से डेटा लेकर सच्चर कमेटी ने डेटा को एनालाइज किया और मुश्किल जानने की कोशिश की जो कि मुस्लिम आबादी के डेवलपमेंट में व्यवधान पैदा करती हैं। रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट 403 पन्नों की एक रिपोर्ट थी जिसका टाइटल था सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया आ रिपोर्ट। प्रेजेंटेड इन लोकसभा में लागी 30 नवंबर 2006 को, 20 मंथ आफ्टर द ऑप्टेनिंग देयर टर्म्स ऑफ रेफरेंस, यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस जिस तारीख को दिए गए उसके 20 महीने बाद इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी भारतीय संसद में। इश्यूज फेसिंग मुस्लिम कम्युनिटी एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन पब्लिक लाइफ वर कवर्ड। ऑब्जर्वेशंस वॉज मेड ऑन हाई बर्थ रेट इन मुस्लिम कम्युनिटी इन कंपेरिजन टू हिंदूज। रिपोर्ट एस्टिमेटेड दैट बाय ईयर 2100 मुस्लिम पॉपुलेशन विल सेटल बिटवीन 17-21%। सजेशंस भी दिए गए इस रिपोर्ट में, हाउ टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस दोज प्रिवेंटिंग इंडियन मुस्लिम्स फ्रॉम फुली पार्टिसिपेटिंग इन इकोनॉमिक, पोलिटिकल, सोशल मेन स्ट्रीम ऑफ इंडियन लाइफ। रिपोर्ट में फर्स्ट टाइम ब्रॉडली रिवील किया गया बैकवर्डनेस इन द मुस्लिम कम्युनिटी को। इशू जो हाईलाइट किए गए थे, मुस्लिम्स मेक 14% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बट ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करें तो मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर सिर्फ 2.5% है।
सचर कमेटी कंक्लूडेड कंडीशंस फेस्ड बाय मुस्लिम्स बिलो दैट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स मुस्लिम इंडियन इक्वेलिटी वॉज हाईलाइटेड। की फाइंडिंग्स क्या क्या थी इस कमेटी की, तो सबसे पहले जो की फाइंडिंग्स थी वो थी अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन के बारे में इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस डेटा इंडियाज मुस्लिम पॉपुलेशन वॉज अबाउट 138 मिलियन यानी 13.4% एट दैट टाइम ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एंड बाय 2006 द मुस्लिम पॉपुलेशन वुड बी ओवर 150 मिलियन। द रिपोर्ट स्टेट्स इन इंडिया पॉपुलेशंस ऑफ ऑल मेजर रिलीजन्स हैव एक्सपीरियंस्ड अ लार्ज ग्रोथ इन द रीसेंट पास्ट बट द ग्रोथ अमंग मुस्लिम्स हैज बीन हायर देन एवरेज यानी मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा तौर पर बड़ी है औसत के मुकाबले कंपेयर टू दूसरी कम्युनिटीज। बिटवीन 1961 एंड 2001 द परसेंट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 10.7% टू 13.4%। मुस्लिम्स हैव अ हायर शेयर इन द यंगर एज ग्रुप। कमिटी एस्टिमेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम्स टू राइज टू 18-21% बाय द ईयर 2101 अंडर डिफरेंट सिनारियोज। देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट अमंग ऑल ग्रुप्स बिटवीन 1991 एंड 2001 इंक्लूडिंग फॉर मुस्लिम्स इन मोस्ट स्टेट्स। द स्टेट्स विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मुस्लिम इंक्लूड जम्मू कश्मीर 67%, आसाम 30.9%, वेस्ट बंगाल 25.2% एंड केरला 24.7%। This is the data of the population composition and growth rates. So here you can see that the growth rate of Hindu population was lesser. The Hindu community in 1961 was at 83.4%, while in 2001 they come to 80.5%. Whereas the Muslim community in 1961 they were at 10.7%, while by year 2001 they come to 13.4%. So overall a huge growth. And then if you see the other communities, there is not much growth, but the growth which we see in Muslim community is significant compared to all the other religious communities. साथ ही साथ जो younger age group में population की बात है तो इसमें भी Muslim community का ज़्यादा participation है। राज्यों की अगर बात करें तो कश्मीर, आसाम, केरल, वेस्ट बंगाल, इन जगहों पर मुस्लिम population आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। एजुकेशनल कंडीशंस के बारे में जो की फाइंडिंग्स देखने को मिली इस रिपोर्ट में वो था लिटरेसी रेट अमंग मुस्लिम इन 2001 वाज 59.1% बिलो द नेशनल एवरेज ऑफ 64.8% विद द गैप ग्रेटेस्ट इन अर्बन एरियाज। इन मैनी स्टेट्स मुस्लिम लिटरेसी लेवल्स वर हायर देन दोज ऑफ एससी एंड एसटीज। हाउएवर द हाईएस्ट इंक्रीज इन स्कूल एनरोलमेंट रेट्स ओवर द पास्ट 5 ईयर्स हैव ऑकर्ड अमंग एससीज एंड एसटीज विद 95% इंक्रीज फॉलोड बाय मुस्लिम्स 65% इंक्रीज। यानी बीते सालों में एससी और एसटी कम्युनिटी के बच्चों का रजिस्ट्रेशन जो स्कूलों में होता है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, एंड उसके बाद नंबर आता है मुस्लिम कम्युनिटी का जिसमें 65% वृद्धि देखी गई है इन रजिस्ट्रेशन। रिपोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट डिस्पाइट अ कॉमन बिलीफ दैट रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डिस्पाइट अ कॉमन बिलीफ कि ज़्यादातर मुस्लिम बच्चे जो हैं ये मदरसा जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये गलत साबित हुआ है। रिपोर्ट में देखा गया कि मात्र 3% बच्चे ही मदरसे में जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, ज़्यादातर जो बच्चे थे ये पब्लिक स्कूल में जाते थे अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जो रेगुलर शिक्षा होती है। हाँ, पर रेगुलर स्कूल में जाने के साथ ही वे मकताब जो होते हैं जहाँ पर रिलीजियस टीचिंग्स दी जाती हैं उनमें भी जाते थे। सो ये धारणा कि मुस्लिम बच्चे ज़्यादातर मदरसा में जाकर टीचिंग लेते थे ये गलत साबित हुई इस रिपोर्ट में। इंस्टीट मैनी मुस्लिम चिल्ड्रन आर एनरोल इन मकताब्स जैसा कि कहा गया। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस 7% ऑफ द पॉपुलेशन एज्ड बिटवीन 20% एंड अबव आर ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स नेशनल लेवल पर। वहीं पर अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो 20 से ज़्यादा उम्र के लोग जो ग्रेजुएट थे या जिनके पास डिप्लोमा था वो मुस्लिम कम्युनिटी में मात्र 4% थे। कमिटी रिपोर्ट नोट्स दैट द गैप बिटवीन मुस्लिम्स एंड अदर सोशियो रिलीजियस कैटेगरीज SRCs इंक्रीजेस एज द लेवल ऑफ एजुकेशन इंक्रीजेस। यानी जैसे जैसे हम हायर एजुकेशन की ओर जाते हैं तो दूसरी जो सोशियो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं और जो मुस्लिम कम्युनिटी है इनके बीच जो हायर एजुकेशन को लेकर गैप है वो बढ़ता जाता है। Unemployment rates among Muslim graduates is the highest among the SRCs, both among the poor and the non-poor. Economy and employment and government employment and programs को लेकर जो की findings की गई इस report में वो था worker population ratio for Muslims are significantly lower than for all other SRCs in rural areas, but only marginally lower in urban areas. The most striking feature ये देखने को मिला कि ज़्यादातर जो मुस्लिम आबादी थी जो वर्किंग एज में थी उसमें से ज़्यादातर जो थे वो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, वजह कि वो कहीं एम्प्लॉयमेंट में हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो,
ज़्यादातर जो मुस्लिम वर्किंग एज के लोग थे वो सेल्फ एम्प्लॉयड कामों में इंडल्ज थे। साथ ही साथ जो औरतें भी हैं अर्बन एरियाज़ में वो भी अपने घर से ही काम करती हुई पाई हुई। पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम सैलरीड वर्कर्स इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इज क्वाइट लो एंड द एवरेज सैलरी ऑफ मुस्लिम वर्कर्स इज लोअर देन अदर्स। पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर इज मच हायर देन एवरेज पॉपुलेशन एंड द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम वुमन वर्किंग विद इन देयर होम्स 70% इज मच हायर देन ऑल वर्कर्स 51%। मुस्लिम पार्टिसिपेशन rates in traditional manufacturing and trade is much higher than for other groups, while their participation in the agricultural section is lower. Also, Muslim participation in raids in security-related activities, जैसे कि police forces में services देना, इसमें भी Muslim community का जो participation है ये कम देखा गया है, 4% के आसपास। वहीं पर SC और ST community का participation security-related activities में 12% के आसपास है, OBCs का 23% के आसपास देखा गया। According to the report, the overall participation of Muslims in central government, departments and agencies is low at all levels. Employment of Muslims is also very low in universities, banks and central PSUs. Access to bank credit, यानी banking से जुड़ी services के बारे में जो key findings देखने को मिली वो थी, committee reports that the access of Muslims to bank credit is low and inadequate. 2001 census shows that the percentage of households availing banking facilities is much lower with high Muslim populations. Some banks have identified a number of Muslim areas as negative geographical zones where bank credit and other facilities are not easily provided. Report states the financial exclusion of Muslims has far-reaching implications for their socio-economic and educational upliftment. Steps should be introduced to specifically direct credit to Muslims, create awareness of various credit schemes, and bring transparency in reporting of information. इसके बाद जो की फाइंडिंग्स पता की गई वो थी एक्सेस टू सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। इसमें कहा गया देयर इज अ क्लियर एंड सिग्निफिकेंट इनवर्स एसोसिएशन बिटवीन द प्रोपोर्शन ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्मॉल विलेजेस। स्टडीज फाउंड दैट कंपेयर टू मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज द एरियाज इनहेबिटेड बाय फ्यूअर मुस्लिम्स हैड बेटर रोड्स, लोकल बस स्टॉप्स, पुका हाउसेस, सीवेज एंड ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई फैसिलिटीज। Committee highlighted about 1/3 of small villages with high concentration of Muslims do not have any educational institutions. Second point that was highlighted, about 40% of large villages with a substantial Muslim concentration do not have any medical facilities. इसके बाद जो की फाइंडिंग्स पता की गई वो थी पॉवर्टी, कंजम्पशन पैटर्न्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को लेकर। सो इसमें कहा गया मुस्लिम फेस फेयरली हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी, देयर कंडीशंस ऑन होल आर ओनली स्लाइटली बेटर देन दोज ऑफ SCs एंड STs, थर्ड स्लाइटली वर्स इन अर्बन एरियाज। अकॉर्डिंग टू NSSO डेटा, ओवरऑल 22.7% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वॉज पुअर इन ईयर 2004 and 2005, विद SC एंड ST इज टुगेदर एज द वर्स्ट ऑफ एट 35%, फॉलोड बाय द मुस्लिम्स एट 31%. Larger proportion of the Muslim households in urban areas are in the less than ₹500 expenditure bracket. Poverty among Muslims has declined in rural areas by 12%, whereas the economic conditions of Muslims in urban areas have not improved as much as other SRCs. इसके बाद जो की findings की गई वो थी Muslim OBCs and affirmative actions को लेकर। इसमें कहा गया द रिपोर्ट कंपेयर्स दैट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स वो आर नॉट लिस्टेड एज OBCs एंड थस डू नॉट क्वालिफाई फॉर रिजर्वेशन विद मुस्लिम OBCs. एटलीस्ट 82 डिफरेंट सोशल ग्रुप्स अमंग मुस्लिम्स वर डिक्लेयर्ड OBCs बाय द मंडल कमीशन। अकॉर्डिंग टू द लास्ट राउंड ऑफ NSSO सर्वे, 40.7% ऑफ मुस्लिम्स आर मुस्लिम OBCs, विच इज 15.7% ऑफ द टोटल OBC पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। कंडीशंस ऑफ द जनरल मुस्लिम कैटेगरी आर लोअर देन द हिंदू OBCs वो हैव द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। However, the conditions of Muslim OBCs are worse than those of general Muslim category. Three groups of Muslims in India, Ashrafs, Ajlafs and Arzals, require different types of affirmative actions. The abysmally low representation of Muslim OBCs suggests that the benefits of entitlements meant for the backward classes are yet to reach them. Main recommendations that were made by this committee was set up an equal opportunity commission to look into grievances of deprived groups like minorities, create a nomination procedure to increase participation of minorities in public bodies, establish a delimitation procedure that does not reserve constituencies in high majority population for SCs, increase employment share of Muslims particularly where there is a great deal of public dealing, work out mechanisms to link madrasas with higher secondary school boards, recognize degrees from madrasas for eligibility in defense, civil and banking examinations,
प्रोवाइड लीगल मैकेनिज्म टू एड्रेस कंप्लेंट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, स्कूलिंग एंड अदर बैंकिंग एंड ऑब्टेनिंग बैंकिंग लोन्स. एनकरेज द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन टू इवॉल्व अ सिस्टम वेयर पार्ट ऑफ एलोकेशन टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इज लिंक्ड टू डाइवर्सिटी इन स्टूडेंट पॉपुलेशन. Provide financial and other support to initiatives built around occupations where Muslims are concentrated and that have growth potential. Set up a National Waqf Development Corporation with a revolving corpus of rupees 500 crore, and there were other recommendations also. Suggestions made by this committee was policies should be sharply focused on inclusive development and mainstreaming of community while respecting diversity. After effects, after submission of this report, response to committee's findings, the then finance minister P. Chidambaram proposed an increase to National Minorities Development and Finance Corporation's budget, NMDFC's. Criticism of this committee and report. In November 2013, Gujarat government in Supreme Court contended that the Satcher committee was unconstitutional and it is only sought to help Muslims. Yani ki 2013 mein गुजरात गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई और उन्होंने कंटेंट किया यानी चैलेंज किया कि सच्चर कमेटी असंवैधानिक है और ये सिर्फ मुस्लिमों को फ़ायदा दिलाने के लिए बनाई गई है. द मैनर इन विच वो तरीका जिसमें पीएमओ ने एक नोटिस लाकर सेटअप किया सच्चर कमेटी को टू सर्वे मुस्लिम्स वाइल इग्नोरिंग अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़. करंट केस हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं अभी, क्योंकि हाल ही में एक प्ली दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में seeking to restrain central from acting upon the Satcher committee report which was submitted in November 2006 and initiating any scheme in the favor of Muslim community. Current case, the petition filed by 5 residents of Uttar Pradesh has alleged that a notification issued from the Prime Minister's office on 9th of March 2005 on constituting the committee nowhere mentions the same was decided after a cabinet decision. Yani cabinet ki meeting ke baad jo cabinet ka decision aata hai usme kahin bhi pravdhan nahi tha aisi koi committee banane ka, par तब के प्रधानमंत्री ने अपने बल पर एक ऐसा नोटिस लाकर एक ऐसी कमेटी का गठन करवाया. पिटीशन सेड हैंस इट इज क्लियर दैट द देन प्राइम मिनिस्टर ऑन हिज ओन अकॉर्ड इशूड द डायरेक्शन अपॉइंटिंग द कमेटी टू इंक्वायर इनटू द सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी. मोर ओवर बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल्स 14 एंड 15 नो रिलीजियस कम्युनिटी कैन बी ट्रीटेड सेपरेटली क्लेम्ड द प्ली फाइल्ड थ्रू एडवोकेट विष्णु शंकर जैन. यानी कि विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आर्टिकल 14 और 15 के अंतर्गत आप किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को सेपरेटली स्पेशली ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं. इट फर्दर अलीज्ड दैट द पावर टू अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस वेस्ट विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी इस तरह की अगर कोई कमीशन का गठन करना है तो वह केवल प्रेसिडेंट ही कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 340. The plea stated that every executive action or orders of the government of India have to be taken or issued in the name of the president by virtue of provisions contained in Article 77, Clause 1 of the Constitution. इसका मतलब कि जब भी भारतीय government कोई भी executive order लाती है या action लेती है तो वह लिया जाता है in the name of the president. But चूंकि जब सच्चर कमेटी का गठन हुआ तो ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला. प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अपने लेवल पर एक नोटिस लाया और उस नोटिस के बेसिस पर इस कमेटी का गठन हो गया और इसीलिए इट क्लेम्ड द पिटीशन क्लेम्ड दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिटी वॉज मेड इन वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 77 एंड हैंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल. द पिटीशन वाइल रेफरिंग टू द रिकमेंडेशंस मेड इन द रिपोर्ट अलीज्ड दैट द नोटिफिकेशन अपॉइंटिंग द पैनल टू लुक इन टू द कंडीशंस ऑफ कम्युनिटी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन अ सेक्युलर स्टेट एज द गवर्नमेंट कैन नॉट शो एनी फेवर और डिसफेवर टू एनी रिलीजियस कम्युनिटी. सो ये था करंट केस. अब आप जान चुके हैं सच्चर कमेटी क्या थी, ये कब बनी, किस तरह बनी और इसके रिकमेंडेशंस क्या थे. अब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि क्या आपको सही लगता है भारत जैसे एक सेकुलर कंट्री में जहां पर हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं परंतु एक खास चुनी हुई कम्युनिटी के लिए हाई लेवल कमेटी बनाकर स्पेशली उनके लिए रिकमेंडेशंस देकर उनके लिए स्पेशली स्कीम्स लाने के प्रावधान अगर किए जा रहे हैं तो ये आपके अनुसार सही हैं या गलत हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा. इन दिस वीडियो वी हैव जस्ट आउटलाइंड सच्चर कमेटी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. कीप प्रैक्टिसिंग एंड गॉड ब्लेस.